नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मन से लेना चाहूँगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पहाड़ों में जेसीबी के द्वारा कैसे खुदाई की जाती है और साथ में ये बताऊँगा मैं आपको कि जेसीबी किस लॉ पर काम करती है। तो जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, पहाड़ों में जेसीबी की खुदाई मैदानों की अपेक्षा कुछ अलग तरह की होती है, जिसमें मिट्टी के साथ साथ कलोरे पत्थर खुदाई के दौरान पहाड़ों में मिलते हैं, जैसा कि हम यहाँ वीडियो में भी देख रहे हैं। दोस्तों जो जेसीबी है वो हाइड्रोलिक प्रेशर पर काम करती है और जो हाइड्रोलिक प्रेशर जेसीबी का बनता है वो पास्कल लॉ के अनुसार काम करता है। पास्कल लॉ में दोस्तों जब किसी एक जगह प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इक्वल प्रेशर सारी जगह क्रिएट होता है, ये पास्कल लॉ कहता है। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि विज्ञान मानव जीवन को बहुत ही आसान और सुविधाजनक बनाता है। जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं कि इतना बड़ा पत्थर यदि मानव ने उठाना हो तो इसको उठाने के लिए 4-5 मानव चाहिए और उनकी एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, जबकि यहाँ मशीन से इसको आसानी से हटाया जा रहा है और इसको अपनी जगह पर रखा जाएगा। तो किसी ने सच्ची कहा है कि यदि विज्ञान का सही उपयोग किया जाए तो ये वरदान है और इसका जब मिसयूज होता है तो ये अभिशाप बन जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जेसीबी मिट्टी को हटाते हुए पत्थरों को अलग कर रही है और मिट्टी एक तरफ और पत्थर एक तरफ जेसीबी के द्वारा रखे जाएंगे। दोस्तों खुदाई के दौरान यहाँ जेसीबी एक बहुत बड़ा पत्थर निकालेगी, जिसको हम देखेंगे कैसे जेसीबी खुदाई के दौरान उस पत्थर को निकालेगी। यदि उसी पत्थर को जेसीबी के ड्राइवर के द्वारा महसूस किया जा रहा है कि कहाँ से वो पत्थर है और साथ में मिट्टी जो है पत्थर के किनारे से हटाई जा रही है और बीच में जो पत्थर आएगा उसको जेसीबी की पावर से अलग किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं वीडियो में अभी उस पत्थर के किनारे की मिट्टी हटाई जा रही है और थोड़ी ही देर में दोस्तों यहाँ बहुत बड़ा पत्थर निकलेगा और यदि उसको मानव के द्वारा निकालना हो तो बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन मशीनी युग में यह बहुत ही आसानी और बहुत ही जल्दी से काम हो जाता है। जेसीबी की पकड़ में आ चुका है और साइड से जेसीबी पत्थर की मिट्टी हटा रही है और यहाँ हम देखते हैं पूरी पावर जेसीबी अपनी लगा रही है और साथ में पत्थर अपनी लगा रही है। दोस्तों पत्थर निकल चुका है, जेसीबी ने अपनी पावर से पत्थर निकाल लिया है और इसको जेसीबी पूरी तरह बाहर निकालेगी और मिट्टी को हटाते हुए इसको अलग करेगी। दोस्तों ये जेसीबी ने पत्थर निकाल के अलग कर दिया है, जैसे कि वीडियो में हम देखते हैं। अब यहाँ से इसको बकेट के द्वारा हटाया जाएगा और साइड में किया जाएगा, तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम एनर्जी लगा के निकाल रहती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो कैसे जेसीबी की खुदाई होती है और